नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और ये है टेक खबर का एक नया एपिसोड डिजिटल इंडियन चैनल पे, द चैनल पे द वाई फैक्टर। अगर आप लोग सोचते हैं कि 10 रुपए का सिक्का तकिए के नीचे रखने से सोने पे अगर अगले दिन करोड़पति बन जाते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। इस चैनल पे आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेक खबर। तो बिना वक्त गमाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली खबर जो आ रही है वो आईफोन एक्स के बारे में, आईफोन 10 के बारे में आ रही है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो 1 महीने लेट हो गई है। इसका मतलब पहले से लिमिटेड स्टॉक था तो अब और लिमिटेड होने वाला है। सुनने में आया है कि दिसंबर से इसकी जो है डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं अगला क्वार्टर जो 2018 का आएगा, पहला जनवरी से मार्च के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं आके सही तरीके से मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे की तरफ से। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदना चाहते हैं तो ए डाटा की हार्ड ड्राइव है 1 TB की एक्सटर्नल, जो 2999 रुपये में आपको मिल सकती है। काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया, उस पर आप क्लिक करके जाके खरीद सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो जो 50 इंच का HD TV है, मतलब कि अगर आप उसकी बात करेंगे VU ब्रांड का, वो है वो आपको 42,999 रुपये में मिल सकता है। और Amazon पे भी इसी तरीके की कुछ सेल चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से, उसमें आप 32 GB का iPhone 7 ले सकते हैं सिर्फ 38,999 रुपये में। और MacBook Air जो लगभग 55,000 से 60,000 रुपये के बीच में वेरी करता था, वो आपको मिल सकता है सिर्फ 44,990 रुपये का। और 10,000 mAh का जो MI का जो पावर बैंक था वो आपको सिर्फ 899 रुपये में मिल सकता है। काफ़ी अच्छी डील्स हैं दोस्तों और इन सब का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है वीडियो में, तो आप सिर्फ क्लिक करके इसको परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगली खबर की मैं बात करूं तो गूगल ने फाइनली एक्वायर कर लिया HTC को। काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस ये कंपनी फेस कर रही थी ताइवान की, 1.1 बिलियन के अंदर इनका एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने ले लिया है और उसके बदले HTC को मिला है एक और चीज़ कि इसका ब्रांड नेम अभी भी HTC रहेगा। तो अच्छी खबर HTC के लिए और थोड़ा सा इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाव हो जाएगा। अगली खबर की मैं बात करूं तो वो फेसबुक की तरफ से, जिस तरीके का व्हाट्सएप पे आप लास्ट सीन देखते थे उस तरीके का लास्ट सीन अब फेसबुक पे भी आने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप अब चुपचाप जो ब्राउजिंग करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे और लास्ट सीन का ऑप्शन इसके अंदर आएगा, या फिर आप लाइव हैं अभी तो वो एक्टिव उसके अंदर दिखाएगा आपको। अगली खबर की मैं बात करूं तो वो आ रही है मोटो X4 की तरफ से। जी हाँ, US के अंदर ये लॉन्च हो गया है $399 के अंदर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपकी 3GB 32GB और 4GB 64GB, ये 2 वेरियंट इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर जो बैक कैमरा होगा वो ड्यूल कैमरा होगा, जिसके अंदर आपको 8 MP प्लस 12 MP का मिलेगा और फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा जो मिलेगा वो 16 MP का मिलेगा। इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलेगी और 5.2 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिलेगी। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जब ओरियो का अभी जो वर्जन है नेक्स्ट आएगा तो पी जो एंड्रॉयड पी है वो आपको इसके अंदर अपग्रेड मिलेगा। G4 प्लस के अंदर तो इन्होंने थोड़ी सी टेंशन पैदा कर दी थी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली अब कंफर्म हो गया कि मोटो G4 प्लस के अंदर इसको आपको मिलने वाला है अपग्रेड ओरियो का, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। अगली खबर में बात करूं तो वो आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। फेसबुक की ऐप पे अब इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो फेसबुक आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आप सीधा आप रिडायरेक्ट कर पाएंगे अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर, तो लाइव फीड आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, अलग से इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर की मैं बात करूं तो AMD जो है वो चिप डेवलप कर रहा है टेस्ला के लिए, टेस्ला की सेल्फ ड्रिवन कार के लिए। हालांकि टेस्ला ने इस तरीके की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन संजय झा जो CEO हैं AMD के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो इस तरीके की चिप के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों AMD के बारे में अगर आपको बताऊं तो जिस तरीके से इंटेल के प्रोसेसर आते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर, उसी तरीके से AMD के प्रोसेसर आते हैं। जैसे मोबाइल में आप मान लीजिए स्नैपड्रैगन है और उस तरीके से MediaTek के प्रोसेसर आते हैं, इसी तरीके से इंटेल और AMD है। ये थी दोस्तों आज की टेक खबर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।